जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है एहसान है कि बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये व्लॉग मेरा स्किप नहीं करना, ये सारे का सारा व्लॉग देखना, टोटली गुफ्तगू जितनी है वो आप लोगों ने सुनी, क्योंकि मैंने ये व्लॉग बनाना नहीं था लेकिन कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, सडनली हुआ और आज ही हुआ जो मैंने आज देखा है, ठीक है ना। वो तो काफ़ी दिन पहले क्या होगा देखा मैंने आज। मेरी आई डी पर एक कमेंट पास हुआ है, ठीक है, जो कि मैं मैंशन करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, और वो एक कमेंट के नीचे पास हुआ है वो भी मैं मैंशन करने वाला हूँ। दोनों चीज़ें टोटल मैं आप लोगों को तीन तस्वीरें, बल्कि दो तीन चार कमेंट दिखाऊंगा, दो तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। वो आप लोगों ने पढ़ने हैं खुद, और मैं वाक्य बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ कुछ ऐसे था जनाब के जिस तरह मैंने ये YouTube चैनल बनाया तो मुझे पता चला कि रजब पट जो है वो लोगों को काफ़ी प्रमोट करता है, ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ जो है ना मेल जोल रखता है और उनकी प्रमोशन में काफ़ी हेल्प करता है। और ऑब्वियसली मैं स्ट्रगलर था, न्यू यूट्यूबर था और अभी भी हूँ, खैर अभी भी मैं उसी लाइन पे हूँ। मेरा कोई चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है, आप लोगों की मुझे हेल्प की ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है। तो मैं उनसे जाके मिला उनके घर पे, उसके बाद में उन्होंने एक अफ्तारी रखी थी तो मैं अफ्तारी पर भी गया। अफ्तारी के बाद मेरी वो वीडियोज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, 17-17 हज़ार व्यूज़ आए, 5-5 हज़ार व्यूज़ आए वीडियोज़ पर, ठीक है। कुछ इंसीडेंट्स वहाँ पर हुए वो मैंने अपलोड किए तो बड़े अच्छे आने के व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले। उन्हीं सब्सक्राइबर्स में से एक सब्सक्राइबर मेरा भाई, अब देखिए हालात जो है ना वो सबके ऐसे हैं, ठीक हो गया ना, तो उनके हालात कुछ ख़राब हैं तो उन्होंने मुझे एक अपील की। वो अपील ये करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप रजब भाई से जो है ना वो जाकर मिलें, ठीक है, और उनको बताएं मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, ठीक है, और वो मेरी कोई फाइनेंशियल हेल्प करें। यहाँ तक तो बात ठीक है, चलें। बदले में मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा मेरा भाई मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी कोशिश करूँगा मैं रजब भाई के साथ मुलाकात करूँ और मुलाकात करके आपका पैगाम जो है मैं उन तक पहुँचा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी इतनी थी कि मैंने आपका पैगाम उनको देना था कि भाई मेरी आईडी पर एक सब्सक्राइबर है मेरा, ठीक है, जो कि मुझे आप तक एक मैसेज कन्वे करने के लिए अपना कह रहा है और वो मैसेज ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, परेशानी में है मेरा भाई, तो आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें। आप सबकी करते हैं, लोगों की करते हैं और वो आपकी फैमिली का ही हिस्सा है, रजब फैमिली का हिस्सा है, ठीक है, और मेरा सब्सक्राइबर भी है, आपका भी सब्सक्राइबर होगा ऑब्वियसली, तो वो आपसे नहीं कह पा रहे, कमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मेरे पास कमेंट्स की इतनी रेशियो नहीं है क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी इतने नहीं है, फॉलोवर्स इतने नहीं है मेरे अभी, तो वो मुझे कमेंट पास कर रहे हैं, मैंने उनका रिप्लाई भी किया। मैं ऑलमोस्टली सबका रिप्लाई करता हूँ, जो भी आता है मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता कि रिप्लाई ना करूँ, मैं नज़रअंदाज नहीं करता किसी को, मेरी आदत नहीं है वैसे भी। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपका पैगाम उन्हें पहुँचा दूँगा भाई, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी उनसे मुलाकात हो, ठीक। अब होता ऐसे है कि कॉन्शिडेंसली मेरी उनसे मुलाकात होती नहीं है, ठीक। देखिए मेरा भाई मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा खुद का ये जो आप घर देख रहे हैं जिस घर में मैं वीडियो शूट करता हूँ ये किराए पर है, मैं हर माह इसका रेंट पे करता हूँ, इसका रेंट 15 हज़ार है, मैं वो पे करता हूँ, थोड़ी सी मुख्तसर सी मेरी इनकम है। आप मुझे बताएं ना 20-25 हज़ार में गुजारा होता है? आप अब कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं जहाँ एक रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ वहाँ से छोड़ के एक फैक्ट्री गया, तो आप क्या समझते हैं मेरी तनख्वाह 50-60-70-80 हज़ार होगी, 1 लाख होगी? नहीं मेरे भाई, इतनी बात नहीं है, मेरी तनख्वाह 30 हज़ार है और 30 से भी ऑलमोस्टली मेरे ख्याल में कम ही मुझे पड़ जाती है, ठीक है, किराया वराया सारा कुछ लगा के। तो मुझे पता है मैं 15 हज़ार उसमें से रेंट दे रहा हूँ, ठीक हो गया ना, तो अब मेरा काम कितना ज़रूरी है, मैं वो काम छोड़ के कैसे जा सकता हूँ स्पेशली, ठीक है। तो बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह और एक फैमिली है मेरी, मैंने उनको सब देखना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको भी देखना है। मैं आपको नज़रअंदाज नहीं किया, आपको मैंने नज़रअंदाज नहीं किया, मैंने आपकी बातों को ये नहीं किया कि मैं इग्नोर कर दूं और छोड़ दूं, कहूँ भाई मुझे नहीं पता ये वो फलाना फलाना, नहीं, मैंने आप प्रॉपरली आपको जवाब दिया, तसल्ली देता रहा कि मेरे भाई मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कहता रहा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, और वो मैंने कोशिश भी की, मैं गया, ठीक है। जब मैं जाता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं जाता हूँ लाहौर, तो रजब भाई से मेरी मुलाकात हो नहीं पाती है, क्यों? वो अपना घर शिफ्ट कर गए, वो अपना घर जो है वो शिफ्ट करके होते हैं। फिर भी एक सेकंड ऑप्शन मेरे पास होती है कि मैं उनके जिम जाऊं और जिम जाके मैं उनसे मुलाकात करूं, क्योंकि जिम में तो उन्होंने अटेंडिंग अपना अटेंडेंस उनकी होनी होनी है ना, जिम तो वो अटेंड करेंगे करेंगे, जिम वो छोड़ नहीं सकते, कोई वक्त निकालूं ऐसा, उसके लिए प्रॉपर वक्त चाहिए था मुझे, और ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने मेरे साथ जाना था, मेरी मिसेज ने मेरे साथ होना था, एक आधा बच्चा मेरे साथ होना था, तो मुझे ज़्यादा भी टाइम वहाँ पर मैं नहीं यानी कि स्टे कर सकता था वहाँ पे, कुछ ऐसा टाइम होता कोइंसिडेंसली वो मुझे इत्तेफाक के तौर पे मिल जाते, मैं तब भी आपका मैसेज उनको मेरा भाई कन्वे कर देता, ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सका, ठीक है, मैं नहीं जा सका, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी, मेरे भी अपने मामला आते हैं, घर है, सब कुछ है, मैं खाली यहाँ पर ये ऑनलाइन कमाई के लिए नहीं बैठा हुआ। आप रजब भाई को जैसे देखते हो ना कि रजब भाई बस ये घर में करते हैं, रहते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो ऐसा अभी सिस्टम मेरे पास नहीं आया, ठीक है, ऐसा सिस्टम मेरे पास जब आया मेरा भाई तो आपका एक कमेंट काफ़ी होगा,
आपका एक कमेंट काफ़ी होगा मुझसे जो हो सकेगा। मैंने पहले आपको एक व्लॉग में कह दिया, साफ सुथरे लफाजों में मैंने आपको कहा, मेरा भाई मैं इस स्टेबल हुआ इंशाल्लाह ताला, ये कोशिश कर रहा हूँ एक यानी कि हर इंसान जो है वो स्ट्रगल करता है और मैं भी कर रहा हूँ स्ट्रगल कि मैं ग्रो अप कर सकूँ अपने आप को, अपनी इनकम को ग्रो कर सकूँ इंशाल्लाह। वो जैसे अभी अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आपसे बात करता हूँ। नहीं जी, अजानें हो चुकी हैं, तो बात मैं ये कर रहा था कि मैं भी अपने आप को ग्रो करने के लिए, इनकम ग्रो करने के लिए किसी स्ट्रगल में मसरूफ़ हूँ, कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। तो मेरा भाई एक कमेंट आया होगा ना इंशाल्लाह, 100 दफ़ा मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद से, ठीक है, किसी के पास जाना, किसी पर डिपेंड होना, अगला मिलता है नहीं मिलता इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे बताएं, जितने कमेंट आपने किए हैं, जितने आपने कमेंट किए हैं, मैंने आपके कमेंट छोड़ा, जब जहाँ जैसे जब भी मेरी नज़र पड़ी कमेंट पर, मैंने फौरी तौर पर उसका रिप्लाई दिया, फौरी तौर पर मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया, और हर रिप्लाई में मैंने ये कहा, इवन दैट एक स्पेशल वीडियो बना डाली कि मेरा भाई मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगा मुलाकात करूंगा उनसे, तो मेरी मुलाकात होगी, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा। उसके बाद खैर वो उमरे पे चले जाते हैं, अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, सऊदी गए थे, सऊदी से पता चला दुबई गए हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं वापस। मेरा खुद का यार, मेरा खुद का दिल है उनसे मिलने के लिए, ठीक है ना, मुझे भी कोई पर्सनल काम होगा, मुझे कोई ऐसा लेकिन काम नहीं है, मुझे कोई उनकी फाइनेंशियल हेल्प वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन कोई काम होगा मुझे भी, मैंने खुद भी उनसे मिलना, और जब मैं मिलूंगा उनसे तो एक मैसेज आपका कन्वे करने में मेरा भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर मैंने कहीं आपको ये लारा लगाया, लारा लगाने वाली बात होती है ना, जबकि काम आपने नहीं करना होता, या मैंने ये कहा आपसे कि नहीं 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 मैं बस मैं चला गया मिलने, मैं चला गया, ठीक है मेरा भाई, मैंने आपसे कहा मैं जाऊंगा, ठीक है, और मैं गया, और जब मैं गया वो मुझे नहीं मिल सके, इस पर मेरा कोई जोर है, इस पर किसी का कोई जोर है? आप एक बंदे से, एक शख्स से मिलने के लिए जाते हो, एक सेलिब्रिटी है यार वो अच्छी खासी, ठीक है, और फिर वो नहीं मिल पाता, मतलब उसके भी 100 काम है, जिस तरह उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया, मुझे घर नहीं, घर का नहीं पता, नहीं मिल सका। उसके बाद में वो जिम में जाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे अपने घरेलू कोई मामला था, मैं उनकी वजह से जिम भी उनके नहीं जा सका, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आप जो प्लान किया कि चलो यार उनसे मिलेंगे, पता चला वो उमरे पे चले गए, अब मुझे बताया मैं कैसे मिलूँ, किस तरह से मिलूँ? मेरा भाई मैं एक नौकरी करता हूँ, ठीक है, मैं वो नौकरी छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मेरी गैर हाजिरी लगेगी, वो मुझे नौकरी से निकाल भी सकते हैं, ठीक हो गया ना, तो इस तरह के कुछ मामला मेरे साथ भी हैं, मेरा भी ख्याल करें ना आप, मेरा भी थोड़ा सा ख्याल करें। हाँ, अगर मैंने आपसे ये कहा कि मैं कुछ करूँगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कहीं भी आपसे ये वादा नहीं किया, ना ये अल्फाज मैंने अदा किए कि मेरा भाई मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैंने यही कहा मेरा भाई कि अगर मुझसे हो सका, ठीक है, अगर मुझसे हो सका तो मैं आपका जो मैसेज है मैं उन तक कन्वे कर दूँगा, लेकिन वो कन्वे मैं अभी तक नहीं कर पाया, ठीक है ना, मेरी पर्सनली खुद भी मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, अगर मेरा कोई आपने व्लॉग देखा हो उसके बाद कि मेरी रजब भाई से मुलाकात हुई है, ठीक है, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं कसूरवार हूँ कि मैंने आपका मैसेज जो था वो मैंने नहीं दिया उनको, ठीक है, अपनी मैंने मुलाकात करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है ना, मेरी उनसे कोई मुलाकात तब से अफ्तारी के बाद से जो मीटअप था वहाँ पर, उसके बाद मेरी उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। तो अब आपके कमेंट, हर वीडियो पर आपके कमेंट आते हैं, हर वीडियो पर आपके कमेंट आते हैं, ठीक है। मेरे कज़न ने, सैयद अब्दुलरहमान शाह साहब जो हैं वो मेरे कज़न हैं, ठीक है, शेफियंस फूड के नाम से उनका अपना भी चैनल है, तो और उन्होंने आपको कहा भी कि यार मेरे भी हालात कुछ ऐसे हैं, यानी कि मैं आपकी सपोर्ट जो है वो पर्सनली तौर पे, खुद के तौर पे मैं नहीं कर सकता हूँ, तो एक मैसेज कन्वे करना है, तो वो यही है कि मैं मिलूँगा तो मैं करूँगा, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता, उन्होंने भी आपको बताया। फिर आपके वही कमेंट आए मेरी वीडियोस पे, और उसका असर ये हुआ कि एक खातून है, मेरी बहन, मुझे उनका नाम नहीं चैनल का याद आ रहा, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर मैं मेंशन करूँगा, ठीक है ना, मुझे बहुत अफसोस है, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो कह रही हैं मैं अपने बच्चों को जलील कर रहा हूँ वीडियोस में, ठीक है, और इंसान बनो, इस तरह के कुछ मामलात, यानी कि इस तरह के कुछ अल्फाज उन्होंने, सॉरी मामलात कह रहा हूँ, इस तरह के कुछ अल्फाज उन्होंने अदा किए। मुझे बताएं क्या राइट था आपके पास, आपने जो ये अल्फाज अदा किए, मैं यहाँ पे सख्त अल्फाज अदा कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हर इंसान अपनी बोलचाल में, अपने पैगामात में, इस तरह के जो वीडियो पैगामात होते हैं अपनी असलियत जाहिर करता है, या कोई लिखने के पैगामात होते हैं अपनी असलियत जाहिर करता है। आपकी असलियत जो थी वो आपने मुझे दिखाई है, वो मैंने बखूबी तरीके से मेरी बहन देखी है, ठीक है, ये मेरी असलियत है जिस तरह मैं आपसे पेश आ रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्या मैं अपने बच्चों को जलील कर रहा हूँ, मुझे बताएं, ठीक है, मेरे तो घर के हालात ऐसे हैं, ठीक है, जैसा मैं दिखाता हूँ व्लॉग्स में, मेरे घर के हालात तो वैसे हैं, मेरे बच्चों के पास साइकिल नहीं है अभी,
जैसे भी वो खेलते हैं मैं डेली रूटीन जो है वो शेयर करता हूँ। मेरा फैमिली ब्लॉगिंग के हवाले से चैनल है, इसके अलावा मैं उन्हें बाहर भी अपने तरीके से लेके जाता हूँ जैसे भी वो जाते हैं, ठीक है। एक वो अभी पिछली एक वीडियो में मेरा सबसे छोटा बेटा हुज़ैफ़ा जो था वो नीचे गिर गया था, बच्ची उसे जब लेके जा रही थी तो वो नीचे गिर गया वो कॉन्सिडेंटली एक एक्सीडेंट कह लें आप उसे, ठीक है, अचानक इतफाक़िया तौर पर एक एक्सीडेंट था वो हुआ, वो नीचे गिर गया, उसे मैंने उठाया जाके वीडियो अपनी वहाँ पर, मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो मैंने ख़त्म कर दी वहाँ पर, लेकिन इतना हिस्सा जो आ गया था वीडियो में वो मैंने शॉर्ट के तौर पर भी अपलोड किया, वीडियो में भी अपलोड किया, क्योंकि वो मैं कैप्चराइज कर चुका था, ठीक है, वो मैं फिल्माइज कर चुका था, ठीक है, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। मैंने आगे उसके गिरे की तो मैंने नहीं बनाई मजीद कि वो गिर गया है अब मैं उसे उठा रहा हूँ, मैं उसे चूम रहा हूँ, मैं चाट रहा हूँ, भाई ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं क्या जलील कर रहा हूँ अपने बच्चों को? तुरंत मुझे ना डिफाइन करें, मुझे डिफाइन करें मैं जलील कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। हम पागल हो रहे हैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर दे सकें, आप बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। आपके दिल में जो आता है आप लोग बोल देते हो, नहीं मतलब क्या हम इंसान नहीं हैं, आपकी सुने जाए यार, मतलब इस तरह के घटिया कमेंट तो करने से यार बाज रहा करें ना। और आप जिनको देख रहे हैं कि वो बड़े अरसे से मेरे पीछे हैं, वो मुझे कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, आप मेरे भी कमेंट पढ़ें ना, आप मेरे भी कमेंट पढ़ें जो मैंने एक वीडियो दी है, उस वीडियो में मैंने बकायदा तौर पे उनको मेंशन करके उनसे मैंने बात की है, ठीक है। आप वो वीडियो भी तो देखें ना, क्या कह रहा हूँ मैं, और आपने ये भी वीडियो पूरी देखनी है मेरी, ठीक है ना। और यहाँ पे कमेंट करें, आप मुझे करें जैसा मर्जी करें, मुझे दुखेगा नहीं, लेकिन आप मुझे जवाब लाजमी दें, ठीक है ना, मेरी इस वीडियो पर हेल्प की कोई बात नहीं होती, मेरे जेब में होते, मेरे पास होते। अभी मैंने एक शादी अटेंड की है, एक मंगनी की सेरेमनी अटेंड की है, आप लोग कह रहे होंगे जी ये मंगनी अटेंड कर रहा है, ये लाहौर के चक्कर लगा रहा है तो इसके जेब में पैसे नहीं है। हाँ जी भाई नहीं है, ठीक है, जिनकी शादी थी मेरा ब्लॉग वो भी लोग देख रहे होंगे, मैं एलानिया ये बात करता हूँ, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, सारा खर्चा उन्होंने किया है, ठीक है, चाहे वो कपड़ों के मामला आते, चाहे वो आने का किराया, सारा खर्चा उन्होंने किया है, ठीक है। ये समझ लें कि उन्होंने ज़बरदस्ती शादी पे बुलाया कि आना ही आना है, जाना पड़ा हमें, ये बात है जाना पड़ा हमें, क्योंकि जब देखो एक बंदा आपको किराया दे रहा है आने का, आपके कपड़े बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है, मेरी मिसिस के कपड़े, मेरे कपड़े, हुज़ैफ़ा के कपड़े, सब कुछ उन्होंने किया कि नहीं आपने आना है, ये फंक्शन जो है हमारी मंगनी का, ये आपने अटेंड करना ही करना है, तो मेरा भाई जाना पड़ गया फिर, ठीक है। हाँ अगर मैं उस वो जो मेरा लगा 8-10 हज़ार, अगर वो इतना गारमन लग जाता होता सारी बात शॉपिंग में, तो वो अगर मेरा लगा इससे ज़्यादा ही, बल्कि उनके पैसे लग चुके, अगर वो मेरे होते और फिर मैं मतलब कहता कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हेल्प नहीं कर, तो ये झूठता, ठीक है ना। ये भी मैं एलानिया आपको बता रहा हूँ कि सारी जो अपना स्पोर्ट थी मंगनी पे लेके जाने की, वो सारी उनकी तरफ से हुई जिनकी शादी थी। तो देखें अच्छे हालात थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे भी थोड़े बुरे हैं, कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, कुछ अपने किए हुए इंसान भुगतता है, तो कोई बात है, अपने किए हुए पशेमान हूँ, अल्लाह ताला से माजरत का तलबगार हूँ, माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह ताला से, अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो बाकी उसकी आजमाइश है, उसका शुक्र भी मैं अदा करता हूँ, अल्लाह ताला शुक्र है, अच्छे भी देखे थे आज बुरे भी देख रहे हैं, तो ऊँच नीच ये आते रहते हैं, ये ज़िंदगी का मामला हैं, हिस्सा है, इसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह, और मैं जो एक अपनी मंजिल है मैं उसे इंशाल्लाह हासिल करके रहूँगा, तो जब मैं उस मंजिल पर पहुँचूँगा तो मेरा भाई आप वो जो बात कर रहे हैं कि इतने कमेंट हो गए हैं उसके, इतने कमेंट हो गए आप सुन रहे, तो ये फिर एक कमेंट की बात होगी, सिर्फ एक कमेंट की बात होगी इंशाल्लाह, दुनिया में कोई यूट्यूबर करे ना करे मैं करूँगा सपोर्ट इंशाल्लाह, ठीक है ना, मैं करूँगा जितनी फाइनेंशियल हो सके कि मैं करूँगा, भाई मुझे कारोबार खुलवा के देना हुआ, मेरी शादी करवा के देनी पड़ी किसी बहन की, कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा, और ये इंसानियत के नाते करूँगा, ठीक है ना, मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इंसानियत अजीज़ है, ठीक है, मैं क्योंकि समझता हूँ कि इंसानियत सबसे मज़बूत रिश्ता है इस दुनिया में, ठीक है ना, बाकी तमाम मज़हबों से या रिश्तों से इंसानियत सबसे मज़बूत रिश्ता भी है और मज़हब भी है, तो इसको अपनाना चाहिए, मैं इस चीज़ पर बिलीव रखता हूँ, तो ऐसे ना करें, इस तरह के कमेंट से दिल दुखता है मेरा भाई, ठीक है। मेरी मिसेज इवन दैट यार आपके कमेंट पढ़ के मेरी मिसेज खुद ही एक परेशान होती है, कहती हैं यार इसका कुछ करो, मैं उनसे कहता हूँ मैं किस तरह करूँ, अब रजब भाई से मुलाकात हो तो फिर, हाँ मेरा ये ब्लॉग जब रजब भाई अगर देखें और वो इसको प्रॉपर देखें, या उनका कोई करीबी दोस्त है अपना जो देखे, कोई भी, चाहे वो हैदर भाई हैं, चाहे वो अपना कोई भी है यार, मुझे अब नाम नहीं पता, वैस है या रजब भाई खुद हैं, कोई भी है, उनकी सिस्टर है हमारी बहन गज़ल, कोई भी है मेरा भाई, अगर कोई देखे मेरा ये ब्लॉग और इसको सुने तो प्रॉपर सुने, और ये बात जो मैसेज मैं अब देने वाला हूँ ये उन तक पहुँचे तो ये ठीक है, वो आगे से रजब भाई को मेरी रिक्वेस्ट है, हमली रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है यार, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा भाई, ठीक है, ये रजब भाई तक मैसेज पहुँचा दें कि मेरी आई डी पे मेरे कमेंट्स में देखें एक आई डी मैंशन होगी जो बड़ी अपील कर भाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी आई डी भी मैंशन कर दूँगा यहाँ पर, वो बड़ी अपील कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरी हेल्प करें, हेल्प करें,
तो रजब भाई अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो लाजमी करें। मैं यहाँ पे भाई हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं की थी क्योंकि मुझे पता है यार मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उन तक वीडियो पहुँचेगी नहीं, वो सुनेंगे नहीं, तो मैं फालतू में बना के भेज दूँ। लेकिन चले मैं आप बना देता हूँ, अगर उन तक पहुँचेगी वो सुनेंगे ठीक है, तो मेरा भाई वो आपकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ मेरी जब मुलाकात होगी मैं तब आपका पैगाम दे दूँगा ठीक है। आप लड़ लो झगड़ लो जो मर्ज़ी करो, मैं एक दफ़ा तो पैगाम आपका दे के रहूँगा मेरा भाई ठीक है ना। लेकिन ये जो मेरी बहन ने कमेंट किया है ना, मुझे जनरली दिल से बड़ा दुख हुआ है कि यार मेरा कसूर क्या है, मैं क्या लारा लगा रहा हूँ जो मेरी एक बंदे से मुलाकात हो ही नहीं पा रही है, तो मैं किस तरह से इनका पैगाम आगे कन्वे करता हूँ। और हाँ, इनकी मदद करने का मैंने अपने ज़ात के तौर पे मैंने इनसे कभी नहीं कुछ कहा कि मैं कुछ करूँगा, नहीं अभी नहीं कर सकता, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कर सकूँ। हाँ, जब हुआ मेरा भाई तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे वीडियो बना के देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे खुफिया तौर पर रब्ता करूँगा और खुफिया तौर पर भिजवा दूँगा इंशाल्लाह ताला जो हो सकेगा मुझसे। तो बाकी मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें और परहेज़ किया करें, इस तरह के कमेंटों से आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ठीक है। पहले ना वाकई की पूरी जाँच पड़ताल करिया करें, बाद में अपनी असलियत जो है वो दिखाया करें, अपनी असलियत अपने तक रखें, इस पर इससे मेरे करेक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ठीक है। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। धूप बड़ी तपती धूप में मैं ये देख लें, मैं सिर्फ ये ब्लॉग करने के लिए ऊपर आया हूँ, मुझे दिल से दुख हुआ है यार, ना क्या आया था, दोबारा जाकर आना पड़ना है। मेरा भाई नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, मेरे भी हक में दुआ करें ठीक है, क्योंकि मैंने जो एक काम शुरू किया, अगर वो काम मेरा कंप्लीट हो जाता है, मेरा भाई ईद के बाद का इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि वो काम कम्प्लीट हो जाएगा, वो हो गया मेरा भाई इंशाल्लाह ताला, तो मैं खुद ही दिल खोल के इंशाल्लाह आपकी जितनी हेल्प हो सकी मैं कर दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है ठीक है ना। रमज़ान में मुझे आपसे कोई गिला शिकवा किसी किस्म का नहीं है, ये मेरी तरफ से ये ना समझना कि मैं आपसे वो गिला शिकवा, आप करो कमेंट करो ठीक है यार आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप भी ख्याल करो ना कि आप हर वीडियो पे एक कमेंट कर रहे हो, आप ये कहो ना कि यार आप मिलो रजब भाई से, क्यों नहीं मिल रहे हो, मैं बता भी रहा हूँ मैं क्यों नहीं मिल रहा यार, और जब मैं मिलूँगा तो मैं ऑब्वियसली मिलूँगा, मैं उसकी वीडियो भी यहाँ पर अपना अपडेट करूँगा। तो आपसे किसी किस्म का गिला शिकवा नहीं, जो मेरी बहन ने मुझे एक कमेंट किया है ना, तो उनकी आईडी मुझे अब याद नहीं आ रही है, मैं लेकिन यहाँ ज़रूर मैंशन करूँगा इनशाला, तो उनसे मेरा जन्मन बड़ा गिला शिकवा है ठीक है ना। और वो तो ये वीडियो लाजमी देखा, मुझे रिप्लाई करना है, मेरी बहन मुझे रिप्लाई करना है लाजमी तौर पे यहाँ पे ना मेरी वीडियो सुन के ठीक है, मुझे बताओ मेरी गलती, बताना फिर मुझे कि मेरी गलती है क्या। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें यार ठीक है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।